तो इनके जिला अध्यक्ष ने पैसे मांगे थे, मुझे बोला गया था कालराज जी ने, प्रतिपाल सिंह कालराज जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था संजय भैया और सरदार जरनैल सिंह जी हैं, इनमें ही दोनों में लेन देन चलता है। अगर आपके वार्ड 7 और 8 से अगर आपकी डिक्लेयर नहीं हुई, कुछ ले दे के आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी टिकट करवा देंगे। तो मुझे टिकट का कोई ऐसा लालच नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मुझे इतना परेशान किया कि आप कर लीजिए, बात कर लीजिए टिकट के लिए। तो मैंने पूरी प्रोफाइल अपनी तैयार करके रखी हुई थी, 106 से मेरे को मैंने नॉमिनेशन भेजा, तो उसमें इन्होंने मेरे नॉमिनेशन में कहा गया कि आपकी तो प्रोफाइल आगे तक गई नहीं है। बट कोई बात नहीं, मुझे वो भी मैटर नहीं था, मगर इस पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम किया, दिल्ली में किया, गोवा में किया, हिमाचल में किया, वहाँ पर उसका पंजाब में किया, पंजाब में 1.5 महीना लगा के आई, गोवा में 3 महीने लगा कर आई। इस पार्टी के लिए इतना काम करने के बाद पार्टी ने मुझे क्या हाथ में रिजल्ट दिया कि एक पोस्ट होल्डर ही रहने दिया कि कार्यकर्ता की तरह डोर टू डोर करो जाकर मुझे उसमें, और पैसे मांगे गए। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब हैं। संजय सिंह को इस चक्कर में थप्पड़ मारा है क्योंकि मैं इस पार्टी के लिए इतना काम कर चुकी थी, मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाने के लिए अरविंद जी से टाइम लिया कि मुझे टाइम दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या आपको रिकॉर्डिंग दिखाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने संजय सिंह जी के, त्यागी जी को इतने फ़ोन किए कि त्यागी जी मेरी बात करवा दीजिए एक बार संजय जी से, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं करवाई उनसे। मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाकर ये रिकॉर्डिंग का जिक्र किया तो अरविंद जी ने बोला कि ये सब फेक चीज़ें हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं विश्वास करते? जब अरविंद जी पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेते थे तो आज इस चीज़ की रिकॉर्डिंग पर क्यों नहीं विश्वास है? जब वो पुलिस वालों को बोलते थे कि इसकी क्लिपिंग लेकर आओ आप, मैं इनको सस्पेंड कर दूंगा, तो आज तो इनके खुद के बंदों ने पैसा मांगा है, उनके लिए क्या इन्होंने किया? मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैं आम आदमी पार्टी के साथ चल रही थी, मेरे को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मगर इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मुझे तब इनके साथ मजबूरन मैंने यहाँ पर, मैंने कोई विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना ही मेरा कोई मोटिव था कि मैं विरोध प्रदर्शन करूँ, मगर आज एक घड़ा भी ना भर चुका था पाप का इनका, तो खत्म करना बहुत जरूरी था।